अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विश्वता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है और दिल्ली दंगे की गूंज पार्लियामेंट में उठनी ही थी। ये सत्र ऐसे समय में शुरू हुआ जब दिल्ली में हिंसा के बाद स्थिति तो सामान्य होने लगी है, लेकिन राजनीति में अभी भी बहुत गर्माहट बनी हुई है। आज कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा को लेकर न केवल सरकार को घेरा, अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की। वहीं पार्लियामेंट में बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों में धक्का मुक्की तक हो गई। दरअसल आज बजट सत्र के दौरान जब कांग्रेस सांसद गृह मंत्री इस्तीफा दो के बैनर के साथ ट्रेजरी बेंच तक जाने लगे, तभी बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी समेत कुछ और बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश में धक्का मुक्की शुरू कर दी। तभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। इसे देख प्रहलाद जोशी ने विपक्षों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके कार्यकाल में 1984 जैसी घटना हुई वो आज यहाँ हंगामा कर रहे हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वही सांसद राम्या हरिदास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखते हुए बताया कि आज लोकसभा के अंदर जसकौर मीना ने उनके साथ मारपीट की। राम्या का कहना है कि यह इस वजह से हुआ क्योंकि वह दलित महिला है। यह बताते हुए राम्या हरिदास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस मामले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी बीच कई विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली हिंसा को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसदों ने संसद परिसर में लगे महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर दिल्ली हिंसा का विरोध किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने भी गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। वहीं इस हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि दिल्ली में एक बार स्थिति सामान्य होने पर इस पे बहस की जाएगी, तब तक सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली में स्थिति सामान्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।